हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए अर्थात एक से अनेक करिए। तो आबिद आप ये वचन बदलो पढ़ेंगे। बच्चा बच्चा बच्चे। बच्चे सहेली सहेलियां जी डिब्बा। डिब्बे पहाड़ी हाँ पहाड़ियां ताला ताले कबीला जी कबीला कबीले। कबीला कबीले। शाबाश। अगले प्रश्न का उत्तर हमें शौर्य देंगे, शिवांश सिंह देंगे। पढ़ना से बनाया पढ़ाई, चढ़ना से क्या बनेगा बेटा? मैम चढ़ाई शाबाश। लड़ना लड़ाई बुनाई लड़ाई, बुनना मैम बुनाई बुनाई, सिलना सिलाई सिलाई। सिलाई। तो हमने बड़ी ई की मात्रा लगाकर इन शब्दों में परिवर्तन कर दिया। चढ़ना से चढ़ाई, लड़ना मैम से लड़ाई। कर लूं हाँ जी बेटा, सुंदर सुंदर सभी बच्चे अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। बुनना बुनाई सिलना सिलाई, कपड़ों में सिलाई लगा दो। मेरी माता जी को बुनाई करनी आती है। एक दूसरे से लड़ाई मत करो। हिमालय की चढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। पढ़ाई हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे अगले प्रश्न में हमें रिक्त स्थान बदल भरने हैं तथा रिक्त स्थानों में हमें कुछ शब्द उपयोग करने हैं जो कि ने को से के लिए का के की में या पर में से ही होने चाहिए। तो लावित्रा हमें बताएगी लोगो डैश देखा कि चमेली अदृश्य हो चुकी है, क्या आएगा? बाकी मैम बच्चे शाबाश। बाकी बच्चे चैट बॉक्स में उत्तर लिख सकते हैं जिनको आता है। लोगों ने देखा कि हर्ष चोपड़ा जमीन डैश फूल बिखरे पड़े थे, क्या आएगा? पर बहुत बढ़िया, जमीन पर फूल बिखरे पड़े थे। युवराज, यस लोगों ने उसे हैरानी डैश देखा। मैम ने लोगों लोगों ने तो बेटा लिखा हुआ है। लोगों ने उसे हैरानी से से देखा। भव्य आनंद, चमेली डैश बहुत दुख हुआ। चमेली को बहुत दुख हुआ। बहुत बढ़िया, चमेली को बहुत दुख हुआ। ईशान गुप्ता, वह शाम डैश था। क्या है भाई? वह का शाम में वह शाम में समय था या वह शाम का समय था? वह शाम का समय था। उर्व, गांव डैश जो काम कोई न कर पाता वह कर देती। गांव में जो काम कोई ना कर पाता वह कर देती। शाबाश।
अभी हमें अगले प्रश्न का उत्तर देंगे हितांश गोयल। पहाड़ डैश चढ़ने डैश हिम्मत चाहिए, पर पहाड़ पर चढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए। बहुत बढ़िया, पहाड़ पर चढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, जो कि उस चमेली नाम की लड़की में थी। तो ये हमने अपना एक अन्य प्रश्न कर लिया, सभी शीघ्रता से इसका उत्तर लिखिए। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है की और किक का प्रयोग समझिए तथा खाली स्थानों में सही रूप लिखिए। एक वाक्य के बीच में हम कभी भी किक का उपयोग नहीं करते, एक वाक्य के बीच में हमेशा आता है को बड़ी की मात्रा की। और ये जो किक है ना, ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए उनके बीच में लगता है। और क बड़ी की मात्रा की एक वाक्य के अंदर कहीं भी वाक्य पूरा करने के लिए लगाया जाता है। तो हमारा पहला वाक्य है सबने बहुत कोशिश की, सबने बहुत कोशिश की, क बड़ी की मात्रा की, पर कोई कर नहीं पाया। वह पूनम की रात थी, एक वाक्य के बीच में दोबारा से हमने क बड़ी की मात्रा की लगाया। बाबा ने कहा था, एक वाक्य, यह खुशहाली का मोती है, एक अलग वाक्य। तो इन दोनों वाक्यों में संबंध स्थापित करने के लिए हम इनके बीच में लगाएंगे क छोटी की मात्रा की। ठीक, वह चोटी पर पहुंची थी, एक वाक्य, रात हो गई, दूसरा वाक्य। तो इन दोनों वाक्यों को भी जोड़ने के लिए हम उपयोग करेंगे की का, को छोटी की मात्रा की। और हमारा अगला वाक्य है कबीले के लोगों ने हैरानी से देखा, एक वाक्य है, चमेली अब एकदम चांदनी जैसी उजली हो गई थी, ये दूसरा वाक्य है। तो इन दोनों वाक्यों को भी जोड़ने के लिए हम उपयोग करेंगे क छोटी की मात्रा की का। छोटी की मात्रा की। सभी छात्र बड़ी ही सुंदरता से इस कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में करें।